हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन से इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन तो बच्चों माइटोटिक डिवीजन की बात हो रही है पूछा जा रहा है कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमें कब अपीयर होता है तो so, बच्चों माइटोटिक डिवीजन जो है आपका फोर फेजेस में कंप्लीट होता है फोर फेजेस इज योर प्रो फेज़ वन मेटा फेज़ वन एना फेज वन एंड टीलो फेज वन तो ये मेोटिक डिवीज़न के फोर फेजेस हो गए अब प्रो फेज़ वन के भी बच्चों सब स्टेज वन के भी अपने सब स्टेजेस होते हैं पहला होता है आपका लिप्टोटीन प्रोटीन में क्या होता है बच्चों कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है दूसरा होता है जाइगोटी, जाइगोटी, क्या होता है बच्चों जाइगोटीन में होता है आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोम पेरिंग ऑफ होमोलिक क्या फिर आप कह सकते सिनेप्सिस देखने को मिलती है सिनेप्सिस या पेयरिंग ऑफ होमो उसके बाद होता है पैकाइटीन पैकाइटीन में आपका होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है बच्चों डिप्लोटीन में क्या होता है डिप्लोटीन में आपको देखने को मिलेगा कायजमेटा का फॉर्मेशन कायजमेटा का फॉर्मेशन होने के साथ साथ जो तो कायजमेटा का फॉर्मेशन होता है वो आपको कुछ इस एक्स शेप की तरह अपीयर होता है ये जो फॉर्मेशन होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर को इसी को हम कायजमेटा बोलते हैं कायजमेटा कायजमेटा फॉर्मेशन आपका कब हुआ बच्चों वो हुआ आपका डिप्लोटीन में प्रोफेज फेज वन के डिप्लोटीन में और इस, इस मेटा का टर्मिनेशन भी होता है बच्चों इस, का इस मेटा का टर्मिनेशन होता है डाइकाइनेसिस इस में इसके नेक्स्ट वाले स्टेज में तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रोफेज फेज़ वन प्रोफेज वन में भी डिप्लोटीन हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज़ नहीं होगा बच्चों एनाफेज फेज टू भी नहीं होगा टीलो फेज वन भी नहीं होगा तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन ए होप आप लोगों को ये सल्यूशन बच्चों समझ आया होगा थैंक यू ऑल द बेस्ट